हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्नेहा सिंघाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारी ये है पोइट्री सेक्शन की थर्ड वीडियो। और इससे पहले हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम पोइट्री सेक्शन करते हैं तो पोइट्री सेक्शन से एग्ज़ाम में हमारे टू टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारा रहता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि हमारे को 4 मार्क्स जो है दिलाता है एग्ज़ाम के अंदर। और सेकंड हमारे रहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमें 5 मार्क्स दिलाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। हमारे पास अगर देखें पोइट्री सेक्शन में टोटल 4 ही पोइम है, और हमारी फर्स्ट पोइम रिस्क जो कि जेनेट रैंड ने लिखी थी उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट वीडियो में हमने उस पोइम को कवर किया था, पोइम को अच्छे से समझा था। सेकंड जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे उस वीडियो के अंदर उस पोइम के। ओके, नेक्स्टली इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं कि उस पोइम से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसी के अलावा जितने भी थोड़े से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक के पीछे दे रखे हैं, उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पॉइंट के, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज सक्सेस। देखिए, आपने पॉइम को अच्छे से पढ़ा है और आपको उसी पॉइम को समझना है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाकर के आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोस को देखिए। पहली वीडियो में आप पोइम को समझे, सेकंड वीडियो में आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व कीजिए, और जो थर्ड वीडियो है यानी कि ये जो वीडियो है इसमें आप क्वेश्चंस आंसर जो है वो अटेम्प्ट कीजिए। अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज सक्सेस, यानी कि सक्सेस क्या है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन सक्सेस। तो आप इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 2019 का जो हमारा एग्ज़ाम था वहाँ पर, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे देखिए, पॉइंट में अपने को पॉइंट ने क्या बताया था कि सक्सेस क्या है, क्योंकि हम जब भी लाइफ में कोई भी स्टेप लेते हैं तो वहाँ पर रिस्क है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो सक्सेस है, सक्सेस का मतलब क्या है, यानी कि सक्सेस कब हमें मिल जाती है, जब हम करेज कर लेते हैं क्या, कोई भी रिस्क उठाने का, यानी जब हम कोई भी रिस्क उठाने के लिए साहस ला लेते हैं, मतलब अपने अंदर साहस पैदा कर लेते हैं, तो वही हमारी सक्सेस हो जाती है। तो ऐसे में हम यहाँ पर आंसर यही लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन आर लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं यानी सफलता को पाना चाहते हैं, वी शुड हैव करेज, हमारे पास साहस होना चाहिए। करेज मतलब साहस, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ड मीनिंग पर खास करके काम करेंगे। तो ऐसे में आपको जो भी हार्ड वर्ड्स लगते हैं उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी आप साथ साथ में हिंदी में लिख लिया कीजिए। टू टेक रिस्क बिकॉज रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये लाइन हमारी क्या करे, वी शुड हैव करेज टू टेक रिस्क, हमारे पास साहस होना चाहिए रिस्क लेने का। बिकॉज क्यों, क्योंकि रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, रिस्क जो है वो इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, यानी अलग ना होने वाला हिस्सा है। इंटीग्रल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, इंटीग्रल का मतलब है जुड़ा हुआ, यानी वो अलग नहीं हो सकता, इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का रिस्क। Thus success is all about having the courage to take risk. तो success क्या है, success वो सब है जिसमें हमारे पास करेज होता है रिस्क लेने का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको होपफुली समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज ट्रूली फ्री, हमारी पोइम की बिल्कुल लास्ट लाइन थी दैट He is truly free. तो वहाँ पर truly free कौन था, जिसके पास courage है, जो risk लेना जानता है, जो अपनी ही धारणाओं में उलझता नहीं है, जो risk लेने का courage दिखा करके success ले लेता है, success को achieve कर लेता है, वही truly free है। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, The person who takes risks is truly free from all dangers. क्योंकि जो dangerous thing है वो क्या है, सबसे dangerous thing क्या है, risk ना लेना,
रिस्क लेना डेंजरस नहीं है, रिस्क ले करके तो हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। रिस्क ना लेना सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ये पॉइंट ने हमें पॉइंट में बताया है, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखनी है, द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये क्वेश्चन आंसर करके, क्योंकि देखिए इतने इजी से हैं। हमने पहले पॉइंट को समझा, फिर हमने क्या किया कि पॉइंट के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले जो उनके जो स्टैंजर्स थे उनको बहुत अच्छे समझ लिया। तो हमने दो तीन बार पॉइंट को अपनी नज़रों में से निकाल लिया। अब पॉइंट का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो हमारी आंखों के सामने ना घूम रहा हो। पॉइंट में जो कुछ पॉइंट ने कहा वो सब कुछ हमारे माइंड में क्लियर है। तो अब बस जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके आंसर समय देने हैं। ये तो बहुत आसान है, और हिंदी मीडियम के छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो साथ की साथ वर्ड मीनिंग्स पर काम कर लें। दोस्तों अगर आप वर्ड मीनिंग्स पर काम करते हो ना, तो आपको अव्वल आने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको बता दूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, क्या बोलता है क्वेश्चन, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम या खतरा क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा हजार्ड मतलब खतरा या सबसे बड़ा जोखिम कौन सा है। तो आपको पता है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे, कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो। ऐसे में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा खतरा होगा। हमें अगर हमें लाइफ में कुछ भी करना है तो वहां पर हमें रिस्क लेना पड़ेगा, यह चीज हमें क्लियर होगी। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्या है सबसे बड़ा हजार्ड, इज टू रिस्क नथिंग, यानी कोई भी जोखिम ना लेना। विदाउट टेकिंग रिस्क अ मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। सच ए मैन कैन नॉट गेट एनीथिंग, सच ए मैन can't get anything in his life, ऐसा person, सच का मतलब ऐसा जो आदमी है can't get anything in his life, अपनी life में कुछ भी get नहीं कर सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। he cannot become anything without टेकिंग risks, वो कुछ भी नहीं बन सकता रिस्क लिए बिना। तो यही बात जो है पॉइंट बार बार से हमें बता रहा था, वही हमें हमारे आंसर्स में लिख के आना है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको बस पढ़ते जाना है, ध्यान लगा करके पढ़ना है, और अगर आपके पास नोटबुक है पेन है तो फटाफट से ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके जब एग्जाम में आप बैठे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको बिल्कुल स्टीक इनके जो आंसर्स होंगे वो, क्योंकि आपने पढ़े भी हैं समझे भी हैं और लिखे भी हैं तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम लिखने में नहीं आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। व्हेन इज ए मैन फिल्ड विद डिसअपीयर, कोई व्यक्ति निराशा से कब भरा होता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति निराश कब होता है, जब वो किसी होप में होता है, वो किसी से कोई होप लगा करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी माताजी जो हैं वो बाज़ार जाती हैं, और जब भी आपकी माताजी अक्सर बाज़ार जाती हैं वो आपके लिए आइसक्रीम लेकर के आती हैं। तो ऐसे में आज अगर आपकी माताजी बाज़ार जाती हैं, आपके मदर अगर बाज़ार जाते हैं, तो आपको ये होप रहेगी कि आज शायद मेरे लिए आइसक्रीम आएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ जा करके कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इस बार आइसक्रीम नहीं ला पाती हैं, तो ऐसे में आपके हाथ निराशा लगेगी। तो ऐसे में आप आंसर में क्या लिखेंगे समझिएगा, अ मैन इज फिल्ड विद डिसपेयर व्हेन हिज होप इज नॉट फुलफिल्ड। कोई भी व्यक्ति है वो डिस्पेयर कब होता है, यानी निराश कब होता है, जब उसकी होप फुलफिल नहीं होती है, यानी जब उसकी आशा जो है वो पूरी नहीं होती है, तभी तो वो निराशा में बदलता है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, अ मैन इज फिल्ड विद डिस्पेयर व्हेन हिज होप इज नॉट फुलफिल्ड। टू होप इज टू रिस्क डिसअपीयर, अगर हम होप करते हैं तो उससे हमें रिस्क रहता है कि उससे हमें डिसअपीयर भी हाथ लग सकती है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। व्हेन वन डजंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ हिज वर्क वन इज फिल्ड विद डिसअपीयर, यानी ऐसा व्यक्ति अगर अपने काम का मनचाहा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाता तो वो निराश हो जाता है। ठीक है, इसको समझिएगा क्या कहता है, व्हेन वन डजंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, जब कोई एक
डजंट गेट यानी प्राप्त नहीं कर पाता द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड का मतलब मनचाहा या अपना चाह मतलब जो वो चाह रहा है, ऐसा रिजल्ट अगर उसे नहीं मिलता है तो वो डिस्पेयर से जो है वन इज़ फिल्ड विद डिसपेयर यानी वो निराश हो जाता है या निराशा से भर जाता है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान ये क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, ठीक है, इनको लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, पोइम बहुत ही अच्छे से हमने समझी है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, स्वतंत्रता का आनंद कैसे लिया जा सकता है यानी कैसे हम इंजॉय कर सकते हैं अपनी फ्रीडम को। अब सिंपल सी बात है, फ्रीडम कौन सी, किस फ्रीडम की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर फ्रीडम है रिस्क लेने की, यहाँ पर फ्रीडम है रिस्क लेने की, यानी हम क्या है कि अपनी धारणाओं में बंधे हुए नहीं है, वी आर नॉट चेंड, ओके। सो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका डट करके सामना करना है, उससे जीतना है, और यही हमारी क्या है एंजॉयमेंट होगी हमारी फ्रीडम की। अदरवाइज हम बंद करके रह जाएंगे कुछ कंडीशंस में, कुछ धारणाओं में, अपनी ही विचारधाराओं में हम बंद करके रह जाएंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हमें नहीं करना है या फिर हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें इन सब उलझनों से इन सब बाधाओं से डट करके सामना करना है और फिर उसको एंजॉय भी करना है, तभी तो हम सक्सेस होंगे। जब कोई व्यक्ति सक्सेस होगा तभी तो वो एंजॉय करेगा अपनी फ्रीडम। ये चीज़ आपको समझ आई, तो ऐसे में आप आंसर क्या लिखेंगे, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, हमारी जो लाइफ है ना वो चुनौतियों से भरी है, यानी रिस्क से भरी है, जोखिम से भरी है। बाय टेकिंग रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग दीज चैलेंजेस, हम रिस्क लें और क्या करें इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, इन चैलेंजेस का सामना करें, फ्रीडम कैन बी इंजॉयड, तभी फ्रीडम इंजॉय की जा सकती है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सफरिंग्स एंड सोरो, हमें सफरिंग्स एंड सोरो से अफ्रेड यानी डरना नहीं चाहिए। अब देखिए सफरिंग्स और सोरो में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो है इनमें डिफरेंस भी बताया था। सफरिंग्स का मतलब होता है कष्ट और सोरो का मतलब होता है दुख। सफरिंग्स ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपको कोई चांटा लगा देता है तो आपकी जो गाल है वो तो सफरिंग कर रही होती है, लेकिन जो आपकी आंखों से जो आंसू निकल रहे होते हैं वो सोरो का प्रतीक होता है, यानी जो पीड़ा होती है, पीड़ा का मतलब जो गाल पीड़ा सहन कर रही है उसको तो आप सफरिंग कहेंगे, और जो दुख आपके अंदर प्रकट हो रहा है आपके आंसुओं के रूप में वो क्या होंगे, आपके सोरो होंगे। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि पीड़ा और दुख, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या करें कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सफरिंग्स एंड सोरो, हमें कष्ट और दुखों से डरना नहीं है, अफ्रेड नहीं करना है। वी शुड हैव करेज टू एक्सप्रेस आर सेल्व फ्रीली एंड एक्ट फ्रीली, हमारे पास साहस होना चाहिए अपने आप को फ्रीली क्या करने का, एक्ट करने का और फ्रीली एक्सप्रेस करने का, यानी हमें क्या करना चाहिए अपने आप को स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए, चाहे आप हंसते हैं, चाहे आप रोते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आपको फ्रीली वो करना चाहिए, यानी आपको रिस्क लेना चाहिए, चाहे लोग आपको मूर्ख समझें, चाहे लोग आपकी पर्सनैलिटी को पहचान जाएं, लेकिन आपको फ्रीली एक्ट करना चाहिए और अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी तो हम फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये जो आंसर है वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस थे हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं। मेनली ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक के लास्ट में दिए गए हैं, और बेसिकली अगर देखा जाए ना स्टूडेंट्स तो ये जो है ना क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखते हो तो यही जो 5 क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट हम जितने भी वीडियोस करेंगे, जितने भी पॉइंट्स करेंगे, उनमें जो क्वेश्चंस आपकी वीडियो में होंगे वही क्वेश्चंस आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब आप उठाएंगे तो वही क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो ये हमारा वादा रहा कि हम आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दिलाएंगे। नेक्स्टली हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आपकी बुक का ही हिस्सा है तो हमें वो करने ही होंगे। चलिए देखते हैं, बाकी उनके चांसेस आने के कम रहते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जब आप एग्जाम्स उठा करके देखते हैं तो ये जो शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस है ना आगे आगे वाले वो ज्यादा आए हुए हैं, तो उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको भी आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। अगर थोड़े से लॉन्ग होते हैं ये, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक ठाक से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेनी चाहिए, हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए।
अब आप बताइए कि हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए। सोच करके देखिए कि रिस्क के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमें कुछ करना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी, तो अगर हमें कुछ करना है तो हमें रिस्क लेनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, तभी हम जो है सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम हमारी जो फ्रीडम है कुछ भी करने की, कुछ भी यानी कि रोने की हंसने की हमारी फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम हम तभी इंजॉय कर पाएंगे जब हम रिस्क लेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई? ओके, तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे थोड़ा सा देखते हैं। ऑल आर अटेम्प्ट्स टू मूव अहेड इन लाइफ एंड अचीव प्रोग्रेस नेसेसरीली इन्वॉल्व सम रिस्क्स। हमारे जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट्स का मतलब है प्रयास, हमारे जितने भी प्रयास हैं टू मूव अहेड, आगे चलने के यानी जिंदगी में आगे बढ़ने के, मूव अहेड इन लाइफ, लाइफ में आगे बढ़ने के, एंड अचीव प्रोग्रेस, एंड प्रोग्रेस को प्राप्त करने में यानी वृद्धि को प्राप्त करने में, यानी सिंपल सी बात है कि ग्रो अप होने में, ठीक है, एंड अचीव प्रोग्रेस नेसेसरीली इन्वॉल्व, आवश्यक रूप से इन्वॉल्व है क्या, सम रिस्क। ऐसे में हमें आवश्यक रूप से कुछ रिस्क को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो वी शुड बी रेडी टू अंडरटेक रिस्क, इसलिए हमें तैयार होना चाहिए क्या लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए। ये चीज़ आपको समझ आ गई? एंड फेस चैलेंजेस एट ईच एंड एवरी स्टेप, और हमें चैलेंजेस को फेस करना है ईच एंड एवरी स्टेप पर। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्टूडेंट्स इंग्लिश की सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं, तो आपके सामने आपका फ्यूचर रहना चाहिए, आंखों के सामने कि आपके सामने आपका फ्यूचर रहे कि हमें जो है 10th क्लास में टॉप करना है या गुड मार्क्स लाने हैं या जो भी आपका टारगेट रहता है। अगर वो आपके सामने टारगेट रहेगा, लेकिन फिर भी एक बड़ी बाधा रहेगी कि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो ऐसे में या तो हमें नींद आने लगेगी, या फिर हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, या फिर हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो ऐसे में ये जो सारी रिस्क हैं, इनको हमें छोड़ना नहीं है, इनको हमने साइड नहीं हटा देना है, बल्कि उनका डट करके सामना करना है। अगर हमें नींद आ रही है तो बिजली का झटका लगा लो खुद को, नहीं खुद को क्या करो कि पानी गिरा लो मुंह पर, ये कुछ भी करके, कुछ भी आइडियाज़ करके, कॉफ़ी बना के पी सकते हैं, कुछ भी आइडियाज़ करके हमें ये जो रिस्क हैं इनका डट करके सामना करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, जो सफरिंग्स हैं, जो सोरोज हैं उनको झेलना पड़ेगा, तभी तो हम टॉप कर पाएंगे ना, तभी तो हम गुड मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है। तो यही ये पॉइंट हमें इस पॉइंट में बताना चाह रहा है कि हमें चाहे कुछ भी करना है, सक्सेस होना है, हमें रिस्क लेने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई? अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको 10th क्लास में एडमिशन तो लेना पड़ेगा, और यही तो सबसे बड़ी रिस्क है कि क्या पता एडमिशन ले और हम फेल हो जाएं। तो ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप रिस्क भी ना लो और सक्सेस हो जाओ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? सो वी शुड बी रेडी टू अंडरटेक रिस्क एंड फेस चैलेंजेस एट ईच एंड एवरी स्टेप। वन हु डज नॉट अंडरटेक रिस्क फेल्स टू मूव अहेड। अगर कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो रिस्क नहीं लेता है, तो वो आगे बढ़ने में नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। ये चीज़ हमें समझ आ गई? ही डज नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता। He does not achieve anything, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। We can live happily only when we have to courage, take risks। हम तभी खुश रह पाएंगे जब हमें करेज है, हमें साहस है कोई भी रिस्क उठाने का। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई? तो होपफुली दोस्तों आपको जो पॉइंट का टारगेट था, पॉइंट का जो लक्ष्य था, एक्चुअल टारगेट वो क्या था, एक्चुअल गोल जो था वो था आपको मोटिवेट करना। और क्या आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं क्या इन लाइन्स को पढ़ करके? बिल्कुल हो रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क। यानी एकदम से अगर हम किसी रिस्क को अवॉइड करते हैं तो जोखिम से बचने का जो तात्कालीन लाभ होगा, यानी जो कुछ समय के लिए लाभ होगा, यानी जो हाथों हाथ हमें लाभ मिलेगा वो क्या होगा? यानी हमने अब तक बात की कि हम जब रिस्क नहीं लेंगे तो हमें कुछ समय के बाद वो रिस्क बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे हमारे लिए, और वो बाद में हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर ऐसा भी कुछ होगा कि अगर कोई व्यक्ति रिस्क नहीं ले रहा है तो उस समय पर उसको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होगा, तभी तो वो रिस्क नहीं लेता है, चाहे वो लाभ कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप पढ़ने बैठते हैं और आपको नींद आने लग जाती है, तो ऐसे में आपको सुख किस में मिलेगा, चाहे वो
सुख थोड़े समय के लिए मिले, किस में सुख मिलेगा कि आप एक छोटी सी झपकी ले लें तो ऐसे में आपको सुख मिलेगा ना, तो वही सुख के बारे में बताने कि वो तात्कालिक जो लाभ होगा, जो इमीडिएट एडवांटेज होगी, उस समय की जो इमीडिएट एडवांटेज होगी, इमीडिएट का मतलब होता है उस समय पर मिलने वाली, क्षणिक यानी कुछ समय के लिए मिलने वाली, तो ऐसे में हमें उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा, आपके सामने है आंसर। लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, भाई ज़िंदगी तो रिस्क से भरी हुई है। एवरी ह्यूमन एक्शन हैज़ सम रिस्क, व्यक्ति का कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, उसमें कुछ ना कुछ जोखिम तो होता है। बट पीपल हु अवॉइड टेकिंग रिस्क हैव एन इमीडिएट एडवांटेज ऑफ इट। बट ऐसा बंदा जो कोई भी रिस्क को अवॉइड करता है, उसके पास उसकी एक कोई इमीडिएट एडवांटेज होती है, तभी वो रिस्क को जो है अवॉइड करता है, यानी उसको कुछ ना कुछ इमीडिएटली उसको कुछ ना कुछ लाभ दिखाई दे रहा है, तभी तो वो रिस्क नहीं लेता। ठीक है, तो वो बताने हैं। द एडवांटेज इज दैट दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरोस, यानी क्या कह रहा है वो कि अगर वो रिस्क नहीं लेता तो वो अपनी सफरिंग्स और सोरोस से को अवॉइड कर सकता है। देखिए कितना उसने लाभ बताया है, कितना बेवकूफ़ी वाला लाभ है ये, अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो, कि अगर वो रिस्क नहीं लेता तो उसे सफरिंग्स नहीं झेलनी पड़ती, उसे सोरोस ना तो उसे कोई कष्ट झेलना पड़ेगा ना उसे कोई दुख होगा। सिंपल सी बात है कि जब आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे, आपने सोच लिया कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, तो ऐसे में ना तो आपको कोई कष्ट होने वाला है, यानी ना तो आपको कोई स्टडी करनी पड़ेगी, और ना ही आपको दुख होगा कि अगर मार्क्स आए तो आए, ना आए तो ना आए, आपको तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया ना आपने, तो ठीक है, तो ऐसे में आपको दुख भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा आप अवॉइड करके इमीडिएट एडवांटेज तो इसकी सोच सकते हो, बट इसके क्या होंगे, बट अल्टीमेटली दे आर लूजर्स, बट अल्टीमेटली आप एक लूज़र बन जाओगे, बिकॉज दे कांट लर्न एनीथिंग, बिकॉज क्योंकि वो कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, दे कैनॉट अचीव एनीथिंग, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, दे कांट लव अदर्स, वो किसी को प्यार नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उन्हें जोखिम है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे वाला हमें प्यार ना करें। दे कांट इवन लिव देयर लाइफ फ्रीली, वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पॉइम में भी समझ में आ गई थी, आंसर्स में और ज़्यादा समझ आ रही है, हम इंस्पायर हो रहे हैं और क्वेश्चन आंसर तो हमारे हम कर ही पा रहे हैं। अब नेक्स्टली चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Chained by their certitude, explain this phrase. Chained का मतलब क्या होता है, बंद जाना। Chained by their certitude, certitude का मतलब होता है धारणा या निश्चित तरह की भावना, तो किसी निश्चित तरह की भावना में या अपनी माइंड की धारणा में बंद जाना, इस फ्रेज को थोड़ा सा समझाइए। तो हम इस फ्रेज को किस तरह से समझाएंगे, पॉइंट में हमें समझ आया था, इसको हम किस तरह से समझाएंगे, तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए आपके सामने आंसर है। दिस फ्रेज रेफर्स टू द पीपल हु आर बाउंड बाई दियर ओन फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। ठीक है, तो जो अपनी निश्चित भावनाओं में या अपनी निश्चित धारणाओं में, जिनको हम कह सकते हैं पीपल, जो बंदे होते हैं, उन पीपल्स की बात की गई है इन लाइन्स में। दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी रिस्क इन दियर लाइफ, वो अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं। दे आर स्लेव्स टू दियर ओन फीलिंग्स, वो अपनी खुद की ही भावनाओं के गुलाम हो जाते हैं। फ्रीडम हैज़ नो मीनिंग फॉर देम, उनके लिए फ्रीडम, उनके लिए आज़ादी कोई मायने नहीं रखती है। दे आर बाउंड टू दियर इजी गोइंग लाइफ, वो अपनी आरामदायक ज़िंदगी में खुश होते हैं, यानी वो अपनी आरामदायक ज़िंदगी में बंद जाते हैं। एनीथिंग न्यू फील्स अनकम्फर्टेबल टू दैम, वो कुछ भी न्यू करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, असहज फील कर सकते हैं, यानी इसका मीनिंग आप जो है नोट कर लीजिए, अनकम्फर्टेबल वो मतलब असहज फील करते हैं, या अपने आप को असहज फील करते हैं जब भी कुछ वो न्यू फील करते हैं या कुछ भी न्यू करते हैं तो। दे आर स्केर्ड ऑफ ट्राइंग एनीथिंग न्यू, वो कुछ भी नया करने से डरते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कहता है। राइट मेन थीम ऑफ द पोइम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पोइम की जो थीम है ना, मेन पोइम की थीम, वो आप लिखिए। तो पोइम की मेन थीम क्या है, वो हमें इंस्पायर करना चाहता है कि रिस्क से ही सब कुछ है, विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यही आपको बताना है।
तो आप इसमें क्या लिखेंगे? देखिए बहुत आसान है ये, आपको बस थोड़ा सा इसके वर्ड मीनिंग्स पर काम अगर कर लेते हैं और अगर आप अपनी लैंग्वेज जो आपकी कैपेसिटी है इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, रिस्क जो है लाइफ का एक जुड़ा हुआ हिस्सा, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता। दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोइम, और यही पोइम की मेन थीम है। तो पोइम की जो मेन थीम है वो क्या है? लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है क्या? रिस्क। तो ऐसा ही आपको लिखना है। देर इज सम रिस्क इवन इन लाफिंग, वीपिंग, हेल्पिंग अदर्स इन एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग्स, यानी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिस्क है। इवन किस में रिस्क है? इवन लाफिंग में भी रिस्क है, रोने में भी रिस्क है, वीपिंग में भी रिस्क है, हेल्पिंग अदर्स अगर किसी और की हेल्प अगर करते हैं तो उसमें भी रिस्क है। इन एक्सपोजिंग आर फीलिंग्स, अगर हम अपनी फीलिंग्स किसी को बताते हैं तो उसमें भी रिस्क है। शेयरिंग आर इमेजिनेशंस एंड आइडियाज, अगर हम हमारी इमेजिनेशन और आइडियाज बताते हैं वहां भी रिस्क है। लविंग अदर्स, किसी और को प्यार करते हैं। इन लिविंग, जीते हैं, हॉप करते हैं, हॉपिंग। डूइंग समथिंग एंड इन एवरीथिंग रिस्क इज देयर, एवरीथिंग हम चाहे कुछ भी करते हैं रिस्क वहां पर रहती है। तो लैंग्वेज आपको यहां पर जो दी गई है फ्रेंड्स वही आपको लिखनी है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क इन लाइफ, सो लाइफ में रिस्क लेना बहुत ही नेसेसरी है, यही तो हमें पॉइंट में समझ आ रहा है। अ पर्सन हु अवॉइड रिस्क में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, बट ए लाइफ विदाउट रिस्क इज द ग्रेटेस्ट डेंजर इन इट सेल्फ, यानी रिस्क ना लेना जो लाइफ है वो अपने आप में बहुत डेंजरस हो जाती है जब हम कोई भी अगर रिस्क हमारी लाइफ में नहीं लेते हैं तो। तो ये हो गई हमारी थीम। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑपोजिट इमेजेस इन द पोएम। यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऑपोजिट इमेजेस। ऑपोजिट इमेजेस का मतलब होता है कल्पनाएं या जो विपरीत प्रतीक है। यहाँ पर हर एक चीज़ का उसने क्या किया, ऑपोजिट इमेज इसकी क्रिएट की है। पॉइंट ने हर चीज़ की एक ऑपोजिट पॉइंट, जो ऑपोजिट इमेज है वो क्रिएट की है, जो कि हमें जीवन की वास्तविकता के बारे में बताते हैं। जैसे अगर आप हंसते हैं तो उसकी ऑपोजिट इमेज क्या हो जाएगी कि लोग आपको मूर्ख समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हॉप करते हैं तो आपको डिस्पेयर का जो है जोखिम लगा रहता है कि हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो हो सकता है कि आगे से आपको प्यार ना मिले। अगर आप जीते हैं तो इसमें रिस्क है कि हो सकता है कि आप मर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की वहाँ पर ऑपोजिट इमेज जो है वो हमें यहाँ पर शो की है किसने, पॉइंट ने। तो ऐसा करने से पॉइंट जो है हमें बताना चाहता है कि यहाँ पर जो है हर एक काम का रिस्क है, हर एक काम का एक ऑपोजिट इमेज क्रिएट करके हमें ये बताइए कि हर एक काम में रिस्क है, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि एक्चुअलिटी में अगर हम देखें तो ये हमारे परिणाम हो सकते हैं, इन इन परिणामों के आने के जोखिम हो सकते हैं। तो ये है इसकी ऑपोजिट इमेज, ठीक है। तो ऑपोजिट इमेज का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो एक्चुअल में क्या है कि उसने बताया है, हर एक लाइन में आप देख लीजिए जो भी लाइन वो लिख रहा है। जैसे चलिए इसके आंसर में देखते हैं कि जब हम लिखेंगे तो उसको ज़्यादा समझ आएगा। द पॉइंट हैज़ मैंशनड सेवरल, सेवरल मतलब अनेक, सेवरल ऑपोजिट इमेजेस इन द पोइम लाइक लाफ, फूल। लाफ का उसने क्या ऑपोजिट इमेज क्रिएट किया, फूल, कि अगर आप हंसते हैं तो आप मूर्ख दिख सकते हैं, यानी फूल जो है वो लाफ की ऑपोजिट इमेज है, ठीक है। वीप सेंटिमेंटल, वीप की ऑपोजिट इमेज सेंटिमेंटल। एक्सपोज फीलिंग के ट्रू सेल्फ, यानी अपनी पर्सनैलिटी के, ओरिजिनल पर्सनैलिटी के बारे में आप बता देते हैं, यानी क्या रिस्क रहती है एक काम करें तो वो काम करते वक्त हमारे को क्या रिस्क रहेगी, वो किसके वो कौन बताते हैं, हमें ऑपोजिट इमेज बता रही है कि ये जो है ना ये रिस्क रहेगी, ये रिजल्ट इसका मिल सकता है, ठीक है। तो वो सॉरी चीज़ जो है ऑपोजिट इमेज हमारी बता रही है। तो ऑपोजिट इमेज का मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्रू सॉरी लाइव डाइंग, यानी लाइव का डाइंग, हॉप का डिसअपेयर, ट्राई का फेलियर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज ऑपोजिट इमेजेस इज दैट दीज इमेजेस एक्सप्रेस द पॉसिबल रिस्क, यानी पॉसिबल रिस्क और
रिजल्ट्स इन द कंसर्न एक्टिविटीज़, यानी जो इनकी कंसर्न एक्टिविटीज़ हैं, यानी इनसे जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, यानी इन एक्टिविटीज़ की जब भी बात आती है तो इसमें ये रिस्क जुड़ी हुई है, ये जो रिजल्ट्स हैं ये जुड़े हुए हैं, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रही है ये ऑपोजिट इमेजेस। ये आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्टली हम चलते हैं, दीज इमेजेस एक्सप्रेस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, दीज इमेजेस एक्सप्रेस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हमें किसके बारे में बताती है, हमारी जिंदगी के जो व्यवहारिक पहलू हैं। देखिएगा इस वर्ड को अच्छे से समझिएगा, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, पहलू, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, व्यवहारिक, हमारी ज़िंदगी के व्यवहारिक पहलू को बताती है। ये कोई किताबें बातें नहीं है, ये कोई बुक्स में लिखी हुई बातें नहीं है, यानी हाँ लिखी हुई तो बुक्स में ही है, लेकिन ये है व्यवहारिक बातें, ठीक है ना। एक्चुअल में कुछ लोग ऐसे हैं जो हंसने से डरने लगते हैं, ऐसे आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन या ऐसे कुछ स्टोरीज पढ़ी होंगी जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, तो वो हंसने से डरते हैं, क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें कोई मूर्ख ना समझ बैठे कि देखिए कितना मूर्ख है ये, जो है इतना जोर जोर से हंस रहा है, और वो इनफैक्ट हंसने वाले को मूर्ख भी मानने लगते हैं, ये उनकी धारणाएं हैं, ठीक है। तो ये हमें किसके बारे में बता रही है, ये हमें बता रही है ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बींग की, ह्यूमन बींग्स की जो ट्रू नेचर है, उनकी जो नेचर है ना, उनकी जो प्रकृति है ना, ये बिल्कुल यही है, या तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, अगर वो रिस्क लेते हैं देन फिर उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, वो सक्सेस को गेट करते हैं, वो सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, होपफुली ये जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ये आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। जो हमारी पॉइंट फर्स्ट है ना वो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, तो आप खुश हो जाइए, अच्छी से स्माइल दे दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताएंगे ज़रूर आपको कि पॉइंट कैसी लगी, आपको आंसर्स जो है क्वेश्चन आंसर्स में अगर कोई डाउट है, या फिर आपको कोई भी चीज़, किसी का भी वर्ड मीनिंग या कुछ भी आपको पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी।